ए तुम्हारे जैसे लोग नशा करते नशा तेरी उम्र कितनी है उम्र कितनी तेरी उमर पंद्रह साल पंद्रह साल झूठ बोल रहे हैं नशा नहीं कर रहा नहीं क्या टेंशन है है टेंशन ये मेरे को गरीब आदमी मेरे को संतान नहीं है क्या वाले काम में फिर नौकरी मिलती मुझे कहा का, काम करता है क्या काम करता है, है? फिर यहाँ बैठा क्यों यहाँ पर रोज बैठता है दो दिन पूरा भाई भाई देख रहा है भाई क्या भाई परेशानी क्या ये काम मिलता नहीं पढ़ाई लिखी कर रखी है नौकरी मिलती नहीं है फिर भी यहाँ पर बेस्ट ढूंढना पड़ता है तू नशा नहीं कर रहा झूठन बोलना एक बार इधर भाई नशा नहीं कर तेरे को भाई यही टेंशन है इधर नहीं मिलता नहीं है सब काम पढ़ाई कर रखी नौकरी मिलती नहीं है पैसा है नहीं मेरे पास गरीब लोगों को सुनता नहीं है अभी गरीब कोई नहीं बनाता ऊपर तक हमारी वीडियो पहुंचा के भाई गरीब गरीब की वीडियो बनाऊंगा ना तेरी दिक्कत क्या मेरे को ये बता तू तो यहाँ पर दो दिन से बैठा है अब मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ पर वो लड़का बैठा रहता है अब ये नहीं पता तू सच बता क्या चक्कर है सच बता सच बता क्या नशा नहीं करता भाई मैं सही बता रहा हूँ क्या क्या दिक्कत है क्या बात हुई बात क्या हुई बात क्या हुई बात क्या हुई कोई ऐसी काम करता है, मिलता काम धंधा कितना पढ़ा है तू भाई कर रखी बे कर रखी है, कर पैसा मेरे पास है नहीं अच्छा नहीं अभी तूने क्या बोला है? मैं पंद्रह साल का हूँ अब तू बोल रहा है मैंने बी ए कराई झूठ बोला था सच सच बोल बोला कुछ नहीं कहूंगा सच बोल कितने साल का सच बता भाई मैं, मैं कुछ नहीं करूंगा सच बता भाई मैं अठारह साल का बी ए कर रखी है बी ए कर रखी है अभी झूठ बोल रहा है तू इक्कीस बाईस साल से नीचे नहीं है झूठ बोल बोल झूठ देख लो भाई मेरे सही बता कर रखी है ना फिर टेंशन क्यों होता है हमारे पास नौकरी का मन करता है नौकरी लग नहीं सकती है पैसा है नहीं भाई अच्छा पास... इसलिए टाइल काम करता है तो क्या करते मजबूरी करना पड़ता है तो तो यहाँ पर बैठे टेंशन क्यों लेता है घर में कोई पैसे मम्मी पापा गरीब है हम कमाते तो पेट भरते हम नहीं कमाएंगे भूखे मर जाएंगे क्या करे करना पड़ता है भाई टेंशन लेने से क्या होगा यहाँ पर बैठा कोई आदमी देखे कोई क्या सोचेगा गरीब लोगों को कोई नहीं बेटा मैं सुन रहा हूँ गरीब लोग की देख अगर ऐसी बात है ना ये वाली बात बताओ गरीब लोग की मैं सुनता मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ सोशल मीडिया वीडियो कोई नहीं सुनता आज करोड़ों लोग देख रहे हैं

क्या करे भाई रुक आ रहे, रहे हैं दक... फिर भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा सही कह रहा हूँ बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ पक्की बात, भाई? सही बात है अच्छा। जितना इस वाली वीडियो को कर देना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वीडियो तो शेयर लोगों घर खाने पीने अपनी क्या प्रॉब्लम है यही भाई खाने पीने लिखा है नौकरी नहीं मिल रही हमारी भारत सरकार ने इतनी नौकरी खोल रखी है क्यों लेबर मिस्त्री का भारत सरकार नौकरी खोल रखा गरीबों को नौकरी मिली नहीं रही भाई हमारे पास पैसा नहीं है अगर पैसे वाले नौकरी कर सकते हैं गरीबी नहीं गरीब नहीं कर सकते गरीब नहीं।, नहीं कर सकते बोला आज के टाइम में हमारे हिंदुस्तान सरकार ने कितनी नौकरी खोल रखी है भाई नौकरी तो सरकार खूब निकालती है गरीबों को लगाता कौन है पैसे वालों को सब लगाते प्राइवेट नौकरी वाले नहीं लगाते प्राइवेट मेहनत करी कहीं पढ़ाई इसलिए किए भाई हमको सरकारी नौकरी करनी प्राइवेट मुझे नहीं करनी अच्छा इसलिए तू ये कर रहे बैठने से क्या हुआ बैठने से क्या मेरे को ये बता से क्या हुआ? में पैसा बहुत कोई फायदा नहीं हुआ पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ तूने तो 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 कोशिश तो तो को तो करी मैं नौकरी लगाऊंगा मैं नौकरी लगाऊंगा मैं बोल रहा हूँ एक बार भर्ती गया मैं निकाल दिया था दो नंबर से रह गया था बाहर निकाल दिया हाँ एक दो नंबर से रह गया था था नेवी दो निकाल दिया बाहर बाहर निकाल दिया दो नंबर से फिर दो नंबर उम्र इक्कीस बाईस साल है ये बात सच बोल दे सच बोल दे उमर, सच बोल दे। हाँ भाई मैं है है तो भारत सरकार से गया मैं कहूंगा जितनी हो सके ये वाली वीडियो आज इसकी वीडियो ना करता तेरा, मेरे को लगा तू नी है भाई किस पर किस जो तुमने वाली बात कही है ना दिल पे लग गई आज मैं सपोर्ट करूंगा बता अपनी बात क्या बता अपनी बात सरकार को वैकेंसी निकालती पर हमारे लिए खाली नहीं छोटी सी नौकरी खूब सब बच्चे को सब कितना सब कैटेगरी के लड़के नौकरी में लग रहे है सरकार लगा रही है अच्छा को छोटी कैटेगरी को कोई सरकार को नौकरी नहीं लगा रही है ता... जाते मरती देख ले पैसा मांगते हैं आठ लाख दो नौ लाख दो अच्छा कोई पैसा, पैसा नहीं, तो नहीं। हमारे पूरा विश्वास अपनी भारत सरकार में आज के टाइम में हमारा हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमारी सरकार ने फुल नाजा पूरी सपोर्ट करूंगा अपनी सरकार को पर बेटा ये सरकार नहीं कर रही ये कुछ लोग होते हैं बीच में वो पैसा मांगते हैं ये लोग दलाल बैठे ना ये आठ टैलेंट है कहा का पेपर दिया तुम्हें मैंने नेवी का दिया था कानपुर दिया था नहीं हो पाया अब तो दोबारा मेहनत कर आप तो तो मेहनत कर हर बार निकाल देंगे तो ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा अपना जो काम है ना काम भी करता रहे। भाई काम करने काम तो करूंगा मेरे मन की बात तो मन में रह जाएगा नौकरी करना चाहता था मेरी बात सुन ये वाली वीडियो ना तेरी ये वाली वीडियो पूरा देश देख रहा है इस टाइम देखा सरकार सरकार आज सरकार बात सुन रही है अपनी जो तेरा मन की बात है ना आपने मन की बात बोल देंट बोल खूब मेहनत करती है मैंने दो भर्ती देखी ली अच्छा एक बार गया था नहीं मैं एक एयरफोर्स में देखी थी अच्छा दोनों में भी एक दो दो नंबर से रह गया अच्छा मैं बोला भाई मैं गरीब आदमी मेरा कोई है नहीं है वो है और मेरे घर गर वाले गरीब लोग कोई ना कोई ना, ना टेंशन मतलब मेरी बात सुन हिंदुस्तान के जितने भी इस टाइम नीचे वर्ग के लोग है ना गरीब लोग हैं पूरे भारत सरकार सपोर्ट कर रही है हमारी पुलिस हमारी आर्मी लगी हुई है मैं तेरे भरवाऊंगा अब भाई तुम्हारे भरवा क्या होगा जब सरकारी नहीं लगने देगी सरकार तो सपोर्ट कर रही, रही है सरकार भर्ती निकालेगी दोबारे मैं भर्ती तो जो दलाल तो भर्ती लगवाऊंगा बता भर्ती हाँ, भर्ती में नौकरी लगना सरकार लगनी नौकरी लगाऊंगा बायो वीडियो इसलिए बनाई ताकि ये वाली वीडियो हमारी भारत सरकार तक जा सके और ज्यादा से ज्यादा इन गरीब लोगों की तरफ देख सके वैसे तो हमारी भारत सरकार पूरा काम कर रही है इन लोगों के लिए पर कुछ लोग नौकरी नहीं लगा रही है सरकार हमारी सरकार नौकरी लगवा रही है नौकरी सरकार नौकरी लगवा रही है बेटा ये बताओ अब तक नौकरी क्यों बाईस तेईस साल उम्र हो गई कम से कम बहुत सारी भर्ती देगी अच्छा नंबर क्यों नहीं है लाख रुपए मांगते सरकार हम कहा गरीब लोग अभी सरकार नहीं। दलाल मांग रहे ना दलाल मांग रही सर मैं कहना चाहता हूँ एक बात जो का? जो सरकार है ना जो दलाल बैठा रखे इन दलालों की नौकरी खत्म हाँ। कर दलाल पैसे लगाएंगे तो देश अभी आगे नहीं बढ़ेगा न बच्चों के न कभी बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ाई लिखाई में बात क्या दे, आज एक नंबर की दिल खुश कर दिया मेरी बात सुन कोई नहीं कोई अगर सरकार अगर ऐसी दलालों को बैठा दी रहेगी तो देश के बच्चे सरकार नहीं बैठा रही है ये कुछ दलाल ही बैठ रहे हैं हाँ। अपने अपने सारे हिंदुस्तान के भाइयों से कहना चाहूंगा आज इस लड़के के मन के अंदर एक छोटी सी बात थी पर इनकी बात कोई सुनता नहीं था आज मेरे वीडियो को ऊपर नहीं है ये हमारे भारत में जितने भी गरीब लोग हैं ना उनके मन की बात उनके अंदर तक रह जाती है इस वाली बात पर अमल करना भाई और जितना उसके वीडियो को शेयर करना और जो लोग पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से नौकरी के बहाने एक पैसा भी मत देना उनको अपने अंदर हिम्मत रखो पढ़ाई लिखाई करो भारत सरकार ने इस टाइम आप लोगों को पूरी सुविधा दे रखी है आप लोगों को सपोर्ट करने के भारत सरकार बैठी है भारत सरकार खुद बोलती है अपना पढ़ो भ्रष्टाचार पूरा भारत सरकार ने खत्म कर दिया मैं कहना चाहता हूँ भाई, तो भाई, भाई कर दिया, ना। हाँ कर दिया भाई दलाल की बातें भाई मैं पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है अगर ऐसे ही दलाल बैठे रहे तो देश के बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे पैसा दे दे नौकरी लगेंगे तो कभी सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी न बच्चे बढ़ पाएंगे बेटा बहुत हमारे लिए सपोर्ट करिए दलाल है ना जितना उसके कोई ना मैं कहना चाहता हूँ किधर का है कोई ना जितना उसके भाई वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो शेयर करना जब तक जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भाइयों आज इस आदमी की दिल की बात दिल को टच कर गई मेरे को लगा कि ये लोग नशा कर रहा था पर जब तक ये दलाल बैठ रहे जब तक देश के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे अच्छा सरकार ये बताओ वा तो पैसे वाले तो देकर नौकरी लग जाएंगे अच्छा। ये गरीब लोग तो है इंटर करके बी ए करके बैठे जब नौकरी जब मिलेगी जब और हो जाएंगे अठारह बाईस साल की उम्र अब लगने लाए के हम फिर कहेंगे अरे छोटी कैटेगरी के बच्चे पढ़ते रहिए अरे पढ़ेंगे कहा पैसे नहीं भाई और पढ़ना को देखना चाहते ना सॉरी भाई सच में नहीं है? पता था भाई सच में सॉरी ब्रोधर आज मेरे को पता चल गया हकीकत में माफ करना अपने भाई वाला लड़का है तेरे बात पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है तेरे साथ नहीं हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हजारों लोग जो ऐसे शिकार होते हैं जो ये दलाल बैठे तू मत बोल मैं बोल रहा हूँ हमारी भारत सरकार को पता हमारी भारत सरकार भी हमेशा बोलती है पर आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ भाइयों जो लोग आठ नौ लाख रुपए रूपये नौकरी लगवाते लग 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 हैं ना भाइयों बंद कर दो ये वाले काम बंद कर दो क्योंकि ये गरीब है ना फ्यूचर है हमारे देश का ये लोग इतनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करते हैं कोई मेहनत नहीं करता अमीर के लोग नौकरी लग लगते हैं पर गरीब के लोग ये टेंशन में बैठे रहता है इनके ऊपर कोई भी वीडियो बना देता है आज मैंने भी गलती की वीडियो बना के मेरे को लगा नशा कर रहा है मैंने नशे के ऊपर मेरे को इसलिए वीडियो स्टार्ट करी मैं दिल की बात वो टेंशन में बैठ रहा इसलिए तेरी पूरी सुनाई होगी थारा भाई जोगिंदर नाम सुना है नहीं सुना ना आज तू समझ जाएगा मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा भाई यो बहुत बढ़िया बात कही इस लड़कियों ने अरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पूरा हिंदुस्तान में जितना उसके ये वाली वीडियो पूरा हिंदुस्तान में जानी चाहिए हर घर तो, में जानी चाहिए तो सुनो। बता भाई मैंने तो कह दिया है मेरे पास मैं गरीब आदमी हूँ मैं पैसा नहीं दे सकता नौकरी के लिए अच्छा ना कुछ नहीं करता मैं लगूंगा तो मेहनत करके लगूंगा नहीं भाई साहब मैं कहूंगा बहुत बढ़िया मुझे दलालों ने लगने नहीं दिया मैं जाता भरती पैसे बहुत बढ़िया मेरे पास बार खाने के लिए पैसे नहीं थे कोई ना कोई ना कोई तेरी नौकरी तेरी मैं लगाऊंगा फिर भर इस बार फार्म भर तू इस बार मैं थी थी। तेरी नौकरी लगाऊंगा